अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर वर्क कर रहे हैं। वहाँ प्रीवियस पहले तो मैं सेकेंड ईयर पे लगा हुआ था, अब मैं फर्स्ट ईयर पर आ गया हूँ। फर्स्ट ईयर का मैंने चैप्टर नंबर 5 आपके लिए सॉल्व कर दिया है, 6 सॉल्व कर दिया है, 7 सॉल्व कर दिया, 8 नहीं किया है, 9, 10, 11 कर दिया है। वहाँ से अगर मैं 12 करूँगा तो वो कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 तकरीबन हो जाएगा। 5 तो मैंने कर ही दिया, 5, 6, 7 और 9, 10, 11। आइए, ऑलमोस्ट आधी बुक तो तकरीबन हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें एक पार्ट रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। ठीक है जी, हम पढ़ेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें एक पोर्शन रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो वो कहलाता है इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा ना हो उसे को कहलाता है रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। सही, किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम उसे इस फॉर्म में ले आए। अगर वो इस फॉर्म में आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट होता है रियल और इमेजनरी का। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो इमेजनरी नहीं है, तो हम जो है ना इमेजनरी आयोटा के साथ ज़ीरो लिख देंगे। और अगर ये दिया हुआ है आपके पास, इसमें रियल नहीं है, तो इसके साथ ज़ीरो लिख देंगे रियल की जगह पे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक ऐसे ही फॉर्म को कहते हैं। अगर इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसका रियल और इमेजनरी में सेपरेट नहीं कर सकता। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी पार्ट मल्टीपल में होना चाहिए, डिवीजन में नहीं होना चाहिए। तो इसे ख़त्म करेंगे, आउटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन गया। याद रखने वाली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जिसमें रियल और इमेजनरी को हम बासानी सेपरेट कर सकें, तो उस फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहेंगे। अभी तो एक्सरसाइज 1.1 ही स्टार्ट हो रही है, 1.2 से सही मानों में इसके एंड से सवाल आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो वहाँ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी नंबर दिया हुआ है और ऑर्डर पेयर में भी दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर पेयर में नंबर दिए हुए, दो इनको ऐड करना है तो डायरेक्ट सिंपल वे में ऐड हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर होता है वो कहलाता है रियल और जो सेकंड होता है वो कहलाता है इमेजिनरी। अगर ऑर्डर पेयर को हम फॉर्म कन्वर्ट करना चाहें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये तो सिंपल प्लस या माइनस है, वो तो डायरेक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फार्मूला, अगर आपको फार्मूला नहीं है तो ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसे जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह दिया हुआ है तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना ऑपरेट कर लेंगे। जो कंडीशन दी हुई है, प्लस हो रहा तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा तो, और ये हमें पता है कि रियल में रियल ऐड होगा, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये तो सिंपल बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जब आगे आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, मैं इनिशियल क्लास में ये सारी चीज़ें बता कर आया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इवेलुएट करना है। आपके पास सवाल आयोटा फॉर्म में दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया हुआ है आयोटा की पावर 10 माइनस आयोटा की पावर 2। सॉल्व करना, इसे मैं इस तरह लिख दूं, होल फॉर्म में इसे लिख दूं, इवन पावर है माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये है, आयोटा स्क्वायर सिर्फ इक्वल होता है माइनस वन के। तो आयोटा पर जितनी भी बड़ी पावर आ जाए उसे हम स्क्वायर फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिख देंगे माइनस वन, माइनस वन पर पावर ऑड है, माइनस वन रहेगा, ये आंसर है। आयोटा को हमेशा हम ब्रेक करेंगे स्क्वायर फॉर्म में, उसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर, ये दूसरा पार्ट है, पावर 16 माइनस आयोटा की पावर 6। दोबारा ये तो जो है ना, दोबारा इसे हम करें तो इवन पावर है, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, वही काम करेंगे, इसे आप स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर दें, ये हो जाएगा माइनस वन की पावर माइनस वन। इसके पार्ट 3 में दिया हुआ है, आयोटा पावर 11 माइनस आयोटा पावर 14। इवन पावर है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 25। तो इसे हम इस तरह भी रेक कर लें, 24 हो गया, 25 लाना है, तो एक आउट ऑफ बाहर लिख दें, आउट ऑफ स्क्वायर माइनस वन के इक्वल, माइनस वन पर पावर इवन है प्लस वन, आउट ऑफ वन से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आउट ऑफ फॉर्म में क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, प्लस या माइनस करके, मल्टीपल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद उसे आउट ऑफ स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। ये पहला पार्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन की क्या वैल्यू होनी चाहिए। आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, आयोटा की पावर एन इक्वल है वन के आयोटा के माइनस वन के और माइनस आयोटा के, एन की वैल्यू निकालनी है। और आगे कह रहा है कि वेयर एन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ग्रेटर देन और लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन से लेके लेस देन इक्वल टू 4, ये होना चाहिए इस यानी इस रेंज के अंदर आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो आउटर की पावर एन पहले ले लें 1, एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, ये पावर में है, ये जब तक नीचे नहीं आएगा वैल्यू नहीं निकलेगी। या तो नीचे ले आए या बेस सेम कर दें, इसका बेस आयोटा है, इसे भी मैं आयोटा फॉर्म में लिख रहा हूँ। आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 होता है, आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया, बेस सेम हो गया, 1 की जगह ये मैंने लिख दिया, पावर एक दूसरे के इक्वल, दूसरी वैल्यू लें आयोटा की पावर एन इक्वल है आयोटा की, ये बेस सेम है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर पावर 1 है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1। थर्ड वैल्यू लें आयोटा की पावर एन इक्वल है माइनस वन, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है, बेस सेम हो गया, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। चौथी वैल्यू ले लें आयोटा की पावर एन इक्वल है माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा इसको प्लस कर देंगे प्लस फॉर्म में, तो इसे हम लिख दें आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के इक्वल होगा, कैसे देखिए, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस वन के इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा दिया हुआ था, बेस सेम हो गया, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, एन आ जाएगा 3। तो ये सब एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, 4, 1, 2 एंड 3।
थ्री, यही कह रहा था फाइंड करने के लिए। और ये वैल्यू इस लिमिट के दरमियान आई है, इस रेंज के दरमियान आई है, 4, 1, 2 और 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सिंप्लीफाई करना है, लिखा हुआ है -6 और 3, 4 और माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो यहाँ वो सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा, फार्मूला वगैरह प्रूव करने के लिए जो है ना अप्लाई करने के लिए नहीं कर रहा, आपकी मर्जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर फार्मूला याद है, ये फार्मूला है प्रोडक्ट का, ऑर्डर पेयर का, ए बी इंटू सी डी, ये होता है ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ये रहा ए बी सी डी। कह रहा है ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे -24, माइनस बी को डी से, माइनस का 6 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ए को डी से माइनस माइनस प्लस, 6 2 12 प्लस, बी को सी से ये बच जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया, ये ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला है जो मैंने इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल आप में से किसी को याद नहीं है ये फॉर्मूला, दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 को 4 से, -24, माइनस माइनस प्लस 12 आया होता, 3 को 4 से 12 आया होता, 3 को 2 से, 3 2 6 आया होता स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 आया होता, आया होता स्क्वायर -1 के, माइनस माइनस प्लस 6, 24 में से 6 निकालेंगे 18। इसको अब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दें, ये रियल था और ये इमेजनरी है, बाद में लिखेंगे, ये आंसर आ गया, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ हमने। तो अगर आपको याद नहीं है तो हम ये काम भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके पार्ट 2 में दिया हुआ है, थ्री का पार्ट 2, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई -2 और 2, ये भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे जो है ना ऑर्डर पेयर वाले फार्मूले से कर लें, चाहें तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लें। ये देखिए मैं पहले फार्मूले से कर रहा हूँ, ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर डिवीजन फॉर्म में ऑर्डर पेयर हो तो उसका फार्मूला ए सी प्लस बी डी, यही फार्मूला है, ए सी माइनस बी डी लिखा हुआ है, बस वहाँ क्या लिखेंगे प्लस, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये ए डी प्लस बी सी है, इसको लिखेंगे बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आइए ऑपरेट करते हैं, ये रहा ए बी सी डी, कह रहा ए सी ए, ये रहा और सी ए रहा, 8 2 16 माइनस का बी डी, बी ए रहा और डी ए रहा, 4 2 8 माइनस का डिवाइडेड बाई सी डी, सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, बी सी बी ए रहा और सी ए रहा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 माइनस ए डी, ए रहा और डी ए रहा, 8 2 16 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा 8 4 प्लस 4, डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा हमारे पास -3, ये हो जाएगा -1, ये आंसर है। ठीक है, इसी को अगर मैं और करके करना चाहूँ कि भाई आपको फार्मूला याद नहीं है, भूल गए आप, इसको करना चाहूँ तो ये पहला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, यही करके दिखा रहा हूँ आपको, ये सवाल था हमारे पास
एट माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू और टू, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, एट माइनस फोर आया होगा डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस टू आया होगा, डिवीजन फॉर्म में लिख दें, मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो सके, ठीक है ना, रियल अलग हो सके और उसके इमेजिनरी, या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे तो इस तरह लिखेंगे, ये रियल हो गया इमेजिनरी के साथ वन है वन, इसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं होगा, इसको इसका रियल और इमेजिनरी उस सूरत में सेपरेट होगा जब डिनोमिनेटर में आयोटा ना हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना हो, तो रियल सेपरेट हो जाएगा और इमेजिनरी, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ऊपर वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, एट को माइनस टू से सिक्सटीन, एट को टू आयोटा से सिक्सटीन आयोटा माइनस का, फोर टू जा एट आयोटा माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट आयोटा स्क्वायर, और ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करते हैं वन टाइम प्लस में और वन टाइम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन में से एट निकालेंगे माइनस एट आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, और ये हो जाएगा फोर आयोटा स्क्वायर, ये माइनस सिक्सटीन माइनस एट आयोटा माइनस एट, ये फोर माइनस फोर आयोटा स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर, सिक्सटीन में एट ऐड करेंगे माइनस ट्वेंटी फोर माइनस एट आयोटा, ये फोर प्लस फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ट्वेंटी फोर माइनस एट आयोटा डिवाइडेड बाई एट, सेपरेट कर लें, 24 के नीचे भी 8 को लिख दें, 8 के नीचे भी 8 को लिख दें, आ गया, इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूंगा जैसे ये लिखा होगा, रियल पार्ट 3 है माइनस 3 और इमेजिनरी पार्ट के साथ कोई नंबर मल्टीपल में नहीं है तो 1 है, माइनस साइन का लिख दिया मैंने, तो ये डायरेक्ट हुआ, अगर आपको फार्मूला याद है, दो ही फार्मूले तो हैं, एक प्रोडक्ट का और एक डिवीजन का, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट हमें इस तरह कर, क्लियर, आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 इसका, पार्ट नंबर 3 में भी डिवीजन फॉर्म दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए, एक दो जो है ना एंड में जो है ना नहीं दिए हुए, पार्ट नंबर 3 हमारे पास सवाल दिया हुआ है 2,3 डिवाइडेड बाई 4,5, डिवाइड करना है वही हम फार्मूला लिख देंगे, ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई सी कॉमा डी, फार्मूला आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी, ये रहा सवाल हमारे पास 2,3 डिवाइडेड बाई 4,5, ये रहा ए बी सी डी, ए सी ए ये रहा और सी ए रहा, 2,4 8 माइनस बी ए रहा और डी ए रहा, 3,5 50, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आ जाइए बी सी बी ए रहा और सी ए रहा, 3,4 12, ए डी ए ये रहा और डी ए रहा, 2,5 10, 4 का स्क्वायर प्लस 5, ये बच जाएगा माइनस 7, 16 प्लस 25, ये बच जाएगा 2, 16 प्लस 25, ये आ गया माइनस 7 डिवाइडेड बाई 41, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 41, 3 का पार्ट 3 था, 3 का पार्ट 4, ये दिया हुआ हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, ये ऑर्डर पेयर में नहीं दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर फॉर्म ये फॉर्म है, आयोटा नहीं है इसमें,
इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो रियल ये हो जाएगा, इमेजिनरी ये हो जाएगा, इसके साथ आवता लगेगा। ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ, सिंपल माइनस करना है, माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, रियल एक तरफ कर दे, इमेजिनरी एक तरफ कर दे। 6 में से 4 निकालेंगे, 2, 5 में से 3 निकालेंगे, 3 का पार्ट 5, 3 के पार्ट 5 में कह रहा 5 माइनस 6 आएगा, प्लस 3 प्लस 4 आएगा, माइनस 5 माइनस 5 आएगा, माइनस 7। ब्रैकेट ऑन करने, ऑर्डर पेयर में ये भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 5 माइनस 6 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, -5 आयोटा, +7। रियल नंबर एक तरफ कर दें, 5, 3 और 7, 5 प्लस 3 प्लस 7। इमेजिनरी नंबर एक तरफ कर दें, ये तीनों ऐड हो जाएंगे 15, ये और ये ऐड हो जाएगा, 11 में से 4 निकालेंगे, 7, ये आंसर है। ये 3 का पार्ट 5 है, आइए 3 का पार्ट 6 करते हैं। 3 के पार्ट 6 में वो कह रहा है कि 4 प्लस 5 आउट मल्टीप्लाई हो रहा है, सिक्स प्लस सेवन आउट, 3 का पार्ट 6। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है, आप चाहें तो ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके वही फार्मूला यूज़ कर लें, चाहे तो डायरेक्ट कर लें। मैंने जब ऑर्डर पेयर में दिया होता तो आपको मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके दिखाया था, यहाँ भी डायरेक्ट ही कर लें आप। फोर को 6 से 24, 4 को 7 से 28, 5 को 6 से 30, 5 को 7 से 35 और आयोटा स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के 35 में से 24 निकाल देंगे, -11, ये सॉल्व हो गया। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा, हमें इसे कन्वर्ट वगैरह करने के लिए नहीं कह रहा, ये दिया हुआ है हमारे पास, डिवीजन में दिया हुआ है, डिवीजन में कर लेंगे, 3 का पार्ट 7। ये देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, रियल अलग हो जाएगा, इमेजिनरी अलग। मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सॉल्व करने का भी यही है कि हम सॉल्व करके एक ऐसी फॉर्म लेके आए जिसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए, देन वो कहलाएगा आंसर। अदरवाइज अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सॉल्व करना होगा उस वक्त तक जब तक कि ऐसी कंडीशन ना आ जाए जिसमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट ना हो। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 आयोटा, डिवाइड करना है, अभी किया है मैंने, सही है ना, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके किया है और विदाउट ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करके किया है दोनों, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ। जाहिर सी बात है ये सेपरेट नहीं हो सकता, सेपरेट उसी सूरत में होगा जब डिनोमिनेटर में आयोटा ना हो, तो इसके लिए वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, सही है। आपको ऑर्डर पेयर वाला भी सिखाया जा रहा, आप आजाद हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी तरीके से करना है, आपकी मर्जी ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके कर लें। 7 को 8 से 28, 7 को 5 से 4 को 8 से 4 को 5 से, एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफा माइनस में, 35 में से 32 निकाल देंगे, 3 आउटा स्क्वायर -1 के 64, ये हो जाएगा 25 आउटा स्क्वायर, 20 25 आयोटा स्क्वायर -1 के,
ट्वेंटी में 28 है, में 28 ऐड करेंगे, 20 28 में 28 करेंगे 48, 64, ये माइनस माइनस प्लस 25, ये ऐड हो जाएगा 18। कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, इसे मैं इस तरह लिख दूं, ये आंसर हो जाएगा। तो 3 का पार्ट 7 है, ठीक है जी। 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 ये दिया हुआ है, 5 माइनस 6 ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, 5 माइनस 6 प्लस 4.8 माइनस 3.-2। अभी एक पार्ट इसका हमने किया है, पार्ट नंबर 5 हमने किया था जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ था, दोनों को प्लस करना था, इसको माइनस करना था, हमने डायरेक्ट कर दिया था। यहाँ भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड करके 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, माइनस हो रहा, माइनस कर लें, 9 प्लस 3 माइनस 2, माइनस और माइनस 2 दिया हो रहा है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ भी कह रहा सिंपलीफाई, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो कह रहा सिंपलीफाई कीजिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सारे सवाल दिए हुए, मैंने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जिसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर सके, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसके अलावा उस पर पावर हो, आयोटा डिवीजन में हो, हम रियल और इमेजनरी सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। तो जब वो सिंप्लीफाई कह रहा, जैसे एक पहला सवाल दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा 4 का पार्ट पावर, सिंप्लीफाई करना है हमने इसे। आगे जाके हम बाइनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल से इसे ओपन कर सकते हैं। अभी तो चूंकि इनिशियल स्टार्ट है इस एक्सरसाइज और आपने बाइनोमियल पढ़ी भी नहीं है, और डायरेक्ट आपको पढ़ा दिया जाए तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। पावर 4 है, मैं ये इस पावर की वजह से इसका रियल और इमेजनरी सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावर भी होगा, लिहाजा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। मैं तो स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर लेता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, फोर फोर आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 माइनस 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3। हम दो दफा भी लिख के कर सकते थे, बात वही आ जाती, 2 टाइम भी आता, दोबारा उसको स्क्वायर करना पड़ता या मल्टीप्लाई करना पड़ता। दोबारा कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, आउटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल -16, 16 में से 9 निकाल देंगे, -7, ये सिंपलीफाई हो गया। मैं इसका रियल भी सेपरेट कर सकता हूँ और इमेजनरी भी सेपरेट कर सकता हूँ, ये रहा रियल और ये रहा इमेजनरी, आंसर हो गया। पावर फॉर्म में दिया हुआ था, मैं सेपरेट नहीं कर सकता था। 4 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हमारे पास, -1 -8√3 की पावर।
आप चाहें तो 2 टाइम लिख करके मल्टीप्लाई कर दें या फार्मूला लगा दें। देखिए फार्मूला हमारे पास या तो बीच में साइन प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा प्लस वाला लगा लेते हैं, माइनस होगा ये, इससे पहले तो साइन है ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू है, अब तक आपको 9th या 10th में ये सब सिखाया नहीं गया कि पहली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिर्फ ये बताया गया, ये नहीं बताया गया कि वो माइनस में भी हो सकता है जैसे यहाँ दिया हुआ, हमें इससे क्या फर्ज है। फार्मूला इस बार आपका ऑपरेट होगा कि 2 टर्म के मिड में साइन माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह -1, बी की जगह आउट, ये तो फार्मूले का चल रहा है इसलिए प्लस में ही लेंगे, प्लस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे वही माइनस माइनस प्लस 2√3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का आ जाएगा -3, 3 में से 1 निकालेंगे -2, ठीक है जी। ये पार्ट 2 है 4 का, 4 का पार्ट 3 भी इसी तरह दिया हुआ है, -1 प्लस, अब प्लस का दे दिया है। तो इन दोनों के मीड में साइन प्लस है, प्लस का फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस प्लस माइनस 2√3 आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर √3, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 निकालेंगे -2, ये आंसर हो गया, ठीक है जी। तो 4 का पार्ट 3 है ये, 4 का पार्ट 4, 4 के पार्ट 4 में कह रहा 1 प्लस आयोटा की पावर 3, क्यों का फार्मूला है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं पार्ट 4। जो आंसर आ रहा है उसको गौर से देखिए, तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जा रहा, यही तो सिंप्लीफाई कहलाएगा। क्यूब का फार्मूला लगा लें, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, सही है ना, ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये फार्मूला है जो मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है जी। 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 into आयोटा, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर -1 के, मैंने कहा आयोटा के ऊपर पावर क्यूब स्क्वायर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसे स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा -3, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है माइनस प्लस माइनस आयोटा, तो ये रियल नंबर है, 3 में से 1 निकालेंगे 2 और 3 में से 1 निकाल देंगे 2 है, तो ये देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। सॉल्व हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, 4 का पार्ट 5 ये लिखा हुआ है, √2 + iota / √2 - iota, ठीक है जी। ये भी सिंप्लीफाई होगा इस वजह से कि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हुआ, तो वही कॉन्जुकेट लेंगे, जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो कॉन्जुकेट लिया आता है √2 + iota, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से दोनों सेम है, होल स्क्वायर लिख दिया, और ये 1 टाइम प्लस में है और 1 टाइम माइनस में, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर
रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, ये हो जाएगा टू रूट टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू और आयोटा स्क्वायर, टू प्लस टू रूट टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर, ये हो गया टू प्लस टू रूट टू आयोटा माइनस वन, ये हो गया टू प्लस वन, तो टू में से वन निकाल लेंगे, वन टू रूट टू आयोटा डिवाइडेड बाई थ्री, सॉल्व हो गया ये। ये थ्री दोनों के नीचे है, मैं लिख दूँ, ये देखिए ये इमेजरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना जब भी कहेगा सिंप्लीफाई करना, तो ऐसी ही कंडीशन दिया होगा कि डायरेक्ट वे में हम उसे इस फॉर्म में नहीं ला सकते, कि इस फॉर्म में दिया ही हुआ नहीं है, हमें उसे सॉल्व करके लाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में है तो कंजुगेट लेना पड़ेगा, स्क्वायर फॉर्म में है, क्यूब है, फोर है, ओपन करके उसे सॉल्व करेंगे, रियल और इमेजनरी सेपरेट हो जाएगा। टू का पार्ट नंबर मैं जो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ तकरीबन सारे सवाल कर रहा हूँ, एक तरह से गाइड बना रहा हूँ, एक तो गाइड इस तरह बना रहा हूँ कि आप उसे देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोल कर सॉल्व कर रहा हूँ, गाइड में तो सिर्फ आपको देखना पड़ रहा है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। टू का पार्ट सिक्स, फोर का पार्ट सिक्स, ये दिया हुआ है हमारे पास वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस, सिंप्लीफाई करना यानी वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है जिसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए, फिलहाल तो ये मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई कर ले, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, वन माइनस आयोटा का स्क्वायर, वन को टू से टू, वन को आयोटा से आयोटा, आयोटा को टू से टू आयोटा, आयोटा को आयोटा से प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, इसे फार्मूले से ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू आयोटा में से आयोटा निकाल देंगे, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन के, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के प्लस वन, ये माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, टू और वन थ्री, अभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा ही है, ये जब तक खत्म नहीं होगा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब कंजुगेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन भी आ जाएगी। जब मिड में साइन होता तो मुझे कंजुगेट लेना पड़ता, आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, टू आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री आयोटा 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 से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल, माइनस माइनस प्लस, रियल पहले लिख दें, इमेजनरी बाद में लिख दें, देखिए सेपरेट हो गया, माइनस वन के नीचे भी टू लिख दूँ, थ्री के नीचे भी टू लिख दूँ। टू का पार्ट सिक्स था, फोर का पार्ट सिक्स है, फोर का पार्ट सेवन, एट पार्ट दिए मैं इसके, फोर के पार्ट सेवन में कह रहा टू प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर आयोटा, हम चाहें तो डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट लें, सॉल्व कर लें, फिर ऊपर वाले को दोबारा ओपन करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसी को सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं, फिर कॉन्जुगेट लेता हूँ, खोल लें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, फोर आयोटा और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस वन के, फोर में से वन निकालेंगे थ्री, अब कंडीशन बन गई, जाहिर सी बात है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आएगा, लिहाजा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का हमेशा लेंगे, न्यूमरेटर का नहीं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को वाइप करना है आउट ऑफ। न्यूमरेटर का ले लेंगे तो न्यूमरेटर में आउट ऑफ वाइप हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे। ये दोनों सेम है, इसे इस तरह लिख लें। और ये वन टाइम प्लस में है और वन टाइम माइनस में है, ठीक है। ऊपर वाले को ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें। 9, 2, 3 जा 6, 4 जा 24, 4 का स्क्वायर 16 है। 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 16, 16 में से 9 निकालेंगे माइनस 7, दोनों के नीचे लिख दें। यह आंसर हो गया, ठीक है जी। सेपरेट हो गया रियल अलग और इमेजिनरी, यही काम कर रहे हैं सिंप्लीफाई में। इसका लास्ट पार्ट है 4 का, पार्ट नंबर 8। 4 के पार्ट नंबर 8 में कह रहा 1 ओवर 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। वही डिनोमिनेटर में आयोटा है, पहले मैं इसे स्क्वायर फॉर्म से सॉल्व कर लूं। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 माइनस 4 आउटा, आउटा स्क्वायर माइनस 1 की, फोर में से 1 निकालेंगे 3, वही डिनोमिनेटर में आउटा आ गया, खत्म करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट लेंगे हम, क्योंकि इनके मिड में साइन है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से तो ये आ गया 3 प्लस 4 आयोटा, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, आउटा स्क्वायर माइनस 1 के, माइनस माइनस प्लस 25। सेपरेट कर दें, रियल और इमेजिनरी दोनों सेपरेट हो गए, सिंप्लीफाई हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा कि शो डैट जेड की वैल्यू भी बने, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू भी बने, 1 प्लस माइनस आउटा, इसे प्लस भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। कह रहा सेटिस्फाई द इक्वेजन, ये इस इक्वेजन को सेटिस्फाई कर रहा, आप सिर्फ शो कर दीजिए। इसको जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, जेड की दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस भी और सेटिस्फाई से मुराद जो लेफ्ट पे है वही राइट पे आ जाए, जो या जो राइट पे है वो लेफ्ट पे आ जाए। तो जेड की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, जेड की जगह पुट कर दें 1, प्लस आउटा लिया है, ये ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, बच गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, सेटिस्फाई हो गया, सही है। यही जेड की वैल्यू 1 माइनस आयोटा लेके प्रूव करें तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
हमें दो चीज़ें निकालनी है, कॉन्जुगेट निकालना है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है। जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, इसका मॉडुलस निकालना पड़ जाए या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अंडर रूट रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, आउटर नहीं लिखेंगे, ये आ जाए, ये कहलाता है मॉडुलस। या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म चाहिए। ये देखिए पहला पार्ट दिया हुआ है, 4 + 5 आयोटा, दो चीजें निकालनी है हमने, कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्जुगेट निकालेंगे हम, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम इस तरह लिख देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है वैसे बार ऑपरेट करना, किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बार ऑपरेट करते हैं तो उसका मिड वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे विदाउट बार ऑपरेट किए हुए, प्लस है माइनस लिख दिया। मिड वाला अगर ये यू दिया हुआ होता तो ये -4 मिड वाला साइन चेंज कर दे, ये सब ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा, प्लस का है तो। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वही अंडर रूट रियल पार्ट 4 ये क्वेश्चन है, प्लस इमेजिनरी पार्ट 5। ठीक है, अगर ये रूट से बाहर निकालता तो निकाल देते, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी फॉर्म में लिखने की। 6 का पार्ट 2, यही दो काम करना है, कॉन्जुगेट निकालना है और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, -1 + 7 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, कॉन्जुगेट ये रहा, मिड वाला साइन चेंज कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो कैलकुलेटर दे देगा 5√2, आपकी मर्जी, आप चाहें तो वो लिख दें या √50 लिख दें, एक ही बात है। 6 का पार्ट 3 √3 आया होता दिया। हमें निकालना है कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह लिख दें 0, जो गायब होगा उसकी जगह 0 लिख देंगे, कॉन्जुगेट -3 आउट। जाहिर सी बात है ये साइन चेंज हुआ तो 0 चाहे तो लिख देना, चाहे तो लिख, एब्सोल्यूट वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। पार्ट 4 दिया हुआ है √7 - 3 आउट, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि रूट में दिया हुआ है, वही कॉन्जुगेट निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है,
मिड वाला साइन चेंज कर दो। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। पार्ट फाइव में कह रहा हूँ हमारे पास जो है ना -3 -4 आउट है। कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है जी। अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सिक्स पार्ट नंबर 6 दिया हुआ हमारे पास जो है ना 5 -4 आउट है होल स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। अभी से प्रीवियस क्वेश्चन हम करके आए क्वेश्चन नंबर 3, 4। मैंने कहा ना उसे सिंप्लीफाई करना था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जिसमें एक पोर्शन रियल हो एक पोर्शन इमेजिनरी हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आएगा हम कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे फॉर्म में लाएं पहले। हमें यही निकालना है कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 40 आएगा। ट्वेंटी फाइव में से 16 निकालेंगे 9, ये सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। कॉन्जुगेट निकालना है, साइन चेंज कर दें मिड वाला, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। नाइन का स्क्वायर -40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1600। अगर ये इस रूट से बाहर निकलता है तो निकाल लें अंडर रूट 1681। 4√5 आ रहा, मतलब नहीं निकाल रहा, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 4√105। रूट से निकलने का मतलब कंप्लीट निकले, नहीं तो हम इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर सेवन भी इसी तरह दिया हुआ है। 6 का पार्ट 7 ये लिखा हुआ है 2/3 -√9/16। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आया, उठा ही नहीं, इसमें लाना पड़ेगा। वैसे भी रूट में कोई वैल्यू माइनस में हो उसका अगर आप रूट निकालें कैलकुलेटर की मदद से तो मैं कह रहा देता है, इसीलिए देता है कि ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजनरी बन जाएगा। इसे मैं इस तरह लिख लूँ -1, इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगा -9/16। और हमें पता है -1 इक्वल होता है आउट स्क्वायर का। अब रूट से बाहर निकाल दें इसे, 9 रूट से बाहर आएगा, 3 आउट स्क्वायर आउटा के इक्वल हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा। अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट और जो है ना हमने वो निकालना है मॉडुलस, तो इसे मैं लिख दूँ इसी तरह कॉन्जुगेट
साइन चेंज कर दिया, मॉडुलस वो एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। 16 4 से 64, 9 9 से 81। सही है, 145 का रूट नहीं निकलेगा, ये रूट में निकालेंगे 145। इसका नहीं निकलेगा, 144 का रूट निकल जाएगा। सही, ये रूट में ही रहेगा और इसका रूट निकल जाएगा 12। ये पार्ट नंबर 7 है, सही है। लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 8, उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 6 के पार्ट 8 में दिया हुआ हमारे पास 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा सॉल्व करना, वही निकालना हमने, कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। वन को वन से, वन वन को 2 आयोटा से, आयोटा को 1 से, आयोटा को 2 आयोटा से, 2 और 1 3 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के माइनस 2। 2 में से 1 निकाल देंगे, माइनस 1। जाहिर सी बात है, मुझे जो है ना पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। कर दे, प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ये बचा हमारे पास -1 प्लस 3 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। -1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, -3। -1 को आयोटा से +आयोटा, 3 आयोटा को 3 से 9 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से 3 आयोटा स्क्वायर। इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना, 9 में 9 और 1 हो जाएगा 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, 9 ये हो गया आयोटा स्क्वायर, 10 आयोटा, -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1। -3 प्लस 3 कैंसिल, -1 प्लस, ये सॉल्व होकर के आ गया। तो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, 0 लिख दे। ये रहा कॉन्जुकेट माइनस आयोटा हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू -1 का स्क्वायर, √1 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। आइए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजरी पार्ट ऑफ।
जस्ट हमें ये बताना है कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। पहला पार्ट दिया हुआ है, 7 के 2 पार्ट है। टू आयोटा 3 इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। हमने ये बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो वही सबसे पहले इसे हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना होगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई कर रहा। इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस +10, इसे अरेंज करके देख लें, ये रहा रियल पार्ट 10 और इमेजिनरी पार्ट 6। ये आंसर है 7 का पार्ट 2। इसमें भी यही करना है, √5 + आयोटा डिवाइडेड बाय √5। जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसी सूरत में आएगा जब ये ख़त्म हो जाए। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, देन आएगा। इसको ख़त्म करने के लिए वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। √5 + आयोटा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है, मैं इसे यूँ लिख दूँ होल स्क्वायर। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है। ओपन कर ले, ए स्क्वायर +2ab + b² √5। इसे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें, a² - b² √5 का स्क्वायर 5, ये आ जाएगा 2√5 आयोटा और आयोटा² - 1 के इक्वल है। √5 का स्क्वायर 5 आयोटा² 5 + 2√5 आयोटा और ये हो जाएगा -1 और ये 5 आयोटा² - 1 के। 5 में से 1 निकालेंगे 4 + 2√5 आयोटा और 5 + 1 6 हो जाएगा। 4 + 2√5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। दोनों के नीचे लिख दें सेपरेट करके, 4 के नीचे भी 6 लिख दें, 2√5 आयोटा के नीचे भी 6 लिख दें। 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया 2/3, ये आ गया √5 / 3 आयोटा रियल पार्ट। टू बाई थ्री इमेजिनरी पार्ट 5/3। हमें जस्ट यही बताना था कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आइए 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ जेड इज इक्वल टू x + iota y, x + iota y जेड की वैल्यू दी हुई है। कह रहा वेयर आर ई लिखा हुआ है, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड लेंगे। तो जेड में ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा जिसके साथ, इक्वल टू 0। और आगे कह रहा है एंड मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल है 2 के। कह रहा देन फाइंड जेड, हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है।
जेड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स प्लस आल्फा वाई पे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये दो कंडीशन यूज करेंगे, एक कंडीशन ये दिया हुआ है और सेकंड कंडीशन ये दी हुई है, जेड दिया हुआ है। रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है, रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है, एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, और आगे कह रहा मॉडुलस ऑफ जेड, जेड दिया हुआ है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू दी हुई है आपको 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई 2, तो जेड निकाल लेंगे। जेड इक्वल है एक्स प्लस आटा वाई के, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, आटा वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आ गया हमारे पास जेड, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें से एक पार्ट उन्होंने एग्जाम में दिया हुआ था, इन दोनों में कह रहा है कि जो है ना सॉल्व, यानी इसका मतलब ये हुआ इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे सॉल्व करना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई इंटू 2,3 इज इक्वल टू माइनस 4,7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना। सॉल्व से मुराद वही वेरिएबल की वैल्यू, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में की बना है। आप चाहें तो मैंने इसे करके दिखाया है इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन में कि मैं इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, और मैं चाहूँ तो इसी फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऑर्डर पेयर का फार्मूला हमारे पास ये था, ए सी ये फार्मूला है माइनस बी डी, ए डी प्लस डी सी ये दिया हुआ। ए बी सी डी, ए सी 2x माइनस बी डी 3y कॉमा ए डी, ए ये रहा और डी ये रहा 3x प्लस बी सी, बी ये रहा सी ये रहा 2y, मल्टीप्लाई हो गया। अब लेफ्ट और राइट दोनों ऑर्डर पेयर फॉर्म में इक्वेट कर लें, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, इसे हम दे दें इक्वेशन 1, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ आज़ाद हैं, आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है जी, आगे जाके मैट्रिक्स मेथड आएगा, क्रैमर्स रूल आएगा, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं कि एक से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, वही करने जा रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू निकाल लेते, माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो गया, ये तो पहले से वन से वैल्यू निकालिए, इसे पुट कर दें इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इम्प्लाई दैट लिखा हुआ है 3x, 3 एक्स की वैल्यू आ गई 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y इक्वल टू 7, इसका एलसीएम ले ले 2 आ जाएगा, 2 2 4y, इससे मल्टीप्लाई हो रहा 9y माइनस 3 4 2x
4 हो रहा है, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 में 4 ऐड कर देंगे 13 हो रहा है, -12 इक्वल टू 14। 12 को वहाँ ले जाए, +12 13y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 13 कैंसिल हो गई, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को पुट कर दें 3 में, x की वैल्यू आ जाएगी पुट y इन इक्वेजन 3। इक्वेजन 3 ये है 3y -4 डिवाइडेड बाई 2, y की जगह वैल्यू पुट कर दें 2, 3 टू जो 6 -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हैंस वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई 1 और वाई की वैल्यू आ गई 2, ये आंसर सॉल्व करना था हमें। तो 9 का पार्ट 1 है पहला पार्ट। 9 के पार्ट 2 में वो कह रहा है कि एक्स प्लस 3 आटा का होल स्क्वायर सॉल्व करना है यहाँ भी। एक्स प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा, वही x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कंडीशन यही इस्तेमाल करनी है जो उसने दिया हुआ, इससे पहले वो कंडीशन दी हुई थी, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ रियल नंबर नहीं है, उसकी जगह हम लिखते हैं 0। इसे ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 का 6x आया होता, 3 का स्क्वायर 9 आया होता स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -9 इसको सेपरेट कर ले, रियल ये भी है ये भी है, इसको एक तरफ लिख दे, अब लेफ्ट पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है राइट पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कंपेयर कर ले। इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ये रहा, और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट की जगह 0 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की 2 वैल्यू आ गए। इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो 6x इक्वल हो जाएगा 2y के, y इक्वल हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल हो जाएगा 3x के। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले पॉजिटिव 3 पुट कर दें, तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 9, x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 9 आ गई, एट x इज इक्वल टू -3 3 इंटू -3 -9, एक्स की वैल्यू -3 पुट की, वाई की वैल्यू -9 आ गई, सॉल्व हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, चाहे तो आप सॉल्यूशन सेट में लिख दें 3 और 9, -3 और -9, ये आंसर हुआ इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ड्रॉ, सही है ना, ड्रॉ करना है हमने इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन वही एक्स वाई प्लेन होता है, उस पर हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे ग्राफ पेपर लगा के फिर आपको शो करके दिखाना होगा, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में कर नहीं रहा हूँ, तो यह है भी फजूल सा सवाल। इसका लास्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वैक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वैक्टर दिया हुआ है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, हमने इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ से मुराद यहाँ वही मॉड्यूलर। क्वेश्चन नंबर सही है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी ग्राफ नहीं बनाया, तो जब मुझे टाइम मिला सारे सॉल्व कर दूंगा मैं, तो इंशाल्लाह मैं ग्राफ बनाकर भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है -5 प्लस 2 आयोटा, हमें कह रहा है लेंथ निकालना है।
तो लेंथ निकालने के लिए वही इसका मॉडुलस निकालना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 29, ये आंसर हो गया, लेंथ हो गया 29 है ये, ठीक है। 11 का पार्ट 2 लेंथ निकालना है दोबारा, दिया हुआ 7/3 + 8/3 आयोटा, लेंथ निकालने के लिए कह रहा। सेवन बाई थ्री का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, इसका एलसीएम ले लेंगे 9, 49 + 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 113/9 लेंथ, 113 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसे रूट में ही रहने दें, 9 रूट से बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3, दोबारा लेंथ निकालना, लिखा हुआ है 1 + iota / √2, 1 + iota / √2 दोनों के नीचे लिखा हुआ है, लेंथ निकालना है यहाँ भी, इसे हम पहले फॉर्म में लिख दें, 1/√2 + 1/√2 iota, ठीक है जी। लेंथ निकालना है वही अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर + 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 1 2/2, 1 रूट से बाहर आने के बाद 1 रहेगा, लेंथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट है, 1 + √3 iota / 2 लेंथ निकालना है, इसे भी सेपरेट करके लिख लें, पहले 1/2 + √3/2 iota लेंथ निकालना है, यानी मॉडुलस 1/2 का स्क्वायर + √3/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4, एलसीएम ले लें 4, 1 + 3 4/4 कैंसिल, 1 बच गया, 1 का स्क्वायर √1, ये भी लेंथ आ गया। तो एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया, फिर उससे जो रिलेटेड चीज़ें थी वो बताई हमने, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।